लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, एक बार सरोजनी चाहिए। रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला रहे हैं, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर टी शर्ट, एक्सक्यूज मी सिस्टर टॉप, एक्सक्यूज मी ब्रदर बेल्ट, बेल्ट ब्रदर। Hello everyone, I'm Dipanshi and I welcome you to my channel. So today in this video or in this vlog, I'm gonna take you with me to Sarojini Nagar. तो मैं तो जा रही हूँ ऑटो के ज़रिए या फिर बाय रोड यू कैन से, तो आप जा सकते हैं मेट्रो के साथ भी। तो मैं आपको दोनों रूट्स दिखाऊंगी आज इस वीडियो में। जैसे यू कैन से कि सरोजनी नगर के लिए हमें सीधा जाना है एंड आई एम गोइंग स्ट्रेट फॉर दैट एंड वी विल रीच सून। अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो आप पिंक लाइन के थ्रू सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पे उतर सकते हैं एंड उसके सामने ही स्टेशन से उतरते यू विल सी गेट नंबर 3 विच इज़ दी एंट्री टू सरोजनी नगर मार्केट। तो मैं आ चुकी हूँ सरोजनी नगर मार्केट में और मैंने इसकी एंट्री ली है गेट नंबर 4 से, जो कि पीछे की साइड है, क्योंकि इस साइड कम भीड़ रहती है। सो आई थॉट ऑफ गोइंग थ्रू दिस गेट ओनली। तो यहाँ पर कम भीड़ थी और वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी इस तरफ से। तो जितनी कम भीड़ होगी उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा वैरायटी से सर्च आउट करने का। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे स्वेटर के, जहाँ पर आपको 100 रुपीज़ के स्वेटर्स मिल रही थी। और सबसे पहले जो मैंने स्वेटर निकाली वो फ्रॉम दिस, पर टैग भी था एंड ये बहुत सही कंडीशन में थी, सो आई थॉट ऑफ ग्रैबिंग दिस वन। उसके अलावा इन्हीं स्टॉल्स में थी काफ़ी अच्छी अच्छी स्वेटर्स। एज यू कैन सी ये पिंक वाली स्वेटर विद अ वी नेक इज़ लुकिंग रियली नाइस। आई विल टेल यू वन ट्रिक कि जैसे मैं स्टॉल पर गई, एज यू कैन सी की कंडीशन इज़ नॉट दैट गुड और स्वेटर्स भी काफ़ी अच्छी नहीं लग रही। तो यू जस्ट हैव टू सर्च आउट द परफेक्ट स्वेटर और द परफेक्ट एसेसरी और जो भी आप ले रहे हैं वो आपको सर्च करनी पड़ेगी। आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं मिलेगा, यू जस्ट हैव टू डिग योर हैंड्स डीप इन एंड उसके बाद आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो आई थॉट ऑफ स्किपिंग ऑन दिस वन। और हम और आगे गए तो थे कुछ मेकअप के स्टॉल्स, एज यू कैन सी ऐसे जो रेडियो पे लगा रखी थी, बट आई वोंट रिकमेंड यू गाइज, मैं नहीं चाहूँगी कि आप यहाँ से मेकअप लें बिकॉज दिस इज़ फेक। अगर फुटवेयर की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। अगर आपको फ्लैट्स देखने हैं, 1-2 फ्लैट्स देखने हैं, आपको यू नो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाले फुटवेयर देखने हैं या म्यूल्स देखने हैं, इसी के साथ साथ क्योंकि विंटर है तो क्लोज्ड बेलीज थी, वेलवेट स्टफ था एंड प्राइजेस इसके 250, 350, 150 इस रेंज में थे। स्लाइटली नेक्स्ट थे हमारे सामने वुलन कुर्ता, कॉटन के कुर्ता, और इनके जो प्राइसेस है फ्लक्चुएट करते हैं एज पर द फैब्रिक यूर चूजिंग। और उसी के सामने थे कुछ दो स्टॉल्स स्वेटर के, जहाँ पर आपको मिलती थी एक स्वेटर फॉर ₹100 और ये वाली स्वेटर विद अ वी नेक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा वहाँ पे थी नेटेड स्वेटर, प्लेन स्वेटर और कार्डिगन्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, जैसे कि ये वाइट वाला हो गया विच इज़ लुकिंग रियली प्रिटी, और स्ट्राइप्स में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, देन फर में भी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ओवरऑल देयर वाज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ स्वेटर्स। सो जो आप स्पेगेटी टॉप देख रहे हो दिस वन इज़ फ्रॉम ज़ारा। थोड़ा सा और आगे गए तो एक खड़ी पर काफ़ी सारी जैकेट्स टंगी हुई थी और ये जो नियॉन वाली है, अगर इसमें थोड़ी सी फुलावट और होती ना तो मैंने ये ज़रूर ली होती, बट ये थोड़ी ना पिचकी भी लग रही थी, सो आई थॉट ऑफ स्किपिंग दिस वन एज वेल। और बट इस पर ब्लेजर्स काफ़ी अच्छे थे, अगर आप कलरफुल ब्लेजर्स पसंद है ना आपको, देन दिस वॉज दी प्लेस फॉर यू टू शॉप देम। रेड, येलो, ऑरेंज, स्ट्राइप्स, ब्लैक, यू नो बेज, सारे कलर्स अवेलेबल थे। उसी के सामने नेक्स्ट खड़ी पे थे बहुत सारे फर में आपके पास स्वेटर्स के ऑप्शंस। कलर्स काफ़ी अच्छे थे, पाउडर ब्लू, डार्क ब्लू, बेज, वाइट, ब्लैक, रेड, मरून, हर कलर में आपको अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। और अगर आप इसको देख रहे हो तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा दैट दीज आर जस्ट फॉर ₹100। और इसमें मुझे पसंद आया था एक स्ट्राइप वाला टर्टल नेक फर स्वेटर, जो कि अब मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा लग रहा था वो। अगर आप कोई भी यहाँ से चीज़ ले रहे हो ना, इट कैन बी एनी थिंग, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग कि उसमें कोई छेद नहीं है, देयर आर एनी होल्स और कोई डिफेक्टेड पीस ना हो वो। वापस फुटवेयर की बात करें तो जूती की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, अलग अलग तरीके के आपको मिल जाएंगे। एंड देन म्यूल्स, वो भी फ्रंट से लॉक होने वाली, अ वेरी नाइस वैरायटी ऑफ देम एज वेल। और इनके प्राइसेस थे फॉर ₹250। मैंने ये बैग्स वाला स्टॉल देखे एंड इनके प्राइसेस थे ₹250। यू कैन फाइंड गुड क्वालिटी ऑफ बैग पैक्स, स्लिंग बैग्स एंड बगेट बैग्स हियर एंड दे वर लुकिंग रियली नाइस। उसी के जस्ट सामने वाले स्टॉल में थे टाई डाई वाले लोअर्स और यू कैन से जोगर्स, तो बहुत 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 मैं कहूँगी प्रिटी टाई डाई प्रिंट्स थे इसके ऊपर। इसी स्टॉल में थे इनके साथ वेलवेट वाले लोअर्स एज वेल और इन सब का प्राइस था ₹200।
याद रहे कि आप जो ये स्टॉल वाले होते हैं इनमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते, बट बाकियों के साथ यू कैन ऑलवेज डू सम बार्गेनिंग। अगर इनके फैब्रिक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वार्म, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और बस यू हैव टू चेक योर साइज़ कि विच साइज़ विल फिट यू एंड देन यू आर सॉर्टेड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये स्टॉल पे थे सारे क्रॉप टॉप्स विद फुल स्लीव्स, मोस्ट ऑफ द प्रिंट्स वर स्ट्राइप्स, सारे स्ट्राइप्स बने हुए थे, और कुछ हमारे प्रिंटेड थे जैसे कि फ्लावर्स हो गए, चेरी हो गए। उसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड सम वार्म स्वेटर्स इन इट, जो कि क्रॉप स्वेटर्स थी, और बाकी इसमें कॉटन की टी शर्ट्स थी। ठीक है, तो मैं गाइज आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ना अच्छे से ढूंढो कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट और कितना आपको गर्म कपड़ा चाहिए, उसी के बाद यू नीड टू फाइनलाइज कि हाँ मुझे लेना है। सो दिस इज़ मी इन सरोजनी नगर मार्केट, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स गाइज, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ। जब भी आपने सरोजनी नगर जाना है आपने हमेशा चेंज कैरी करना है अपने पास, 50, 100, 150 ऐसे पैसे कैरी करने, कभी भी बंदे नोट मत लेके जाना। मेरी नज़र पड़े इस जैकेट पे, दिस वॉज लुकिंग रियली नाइस, बट ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बैगी हो जाती एंड आई डोंट लाइक टू बैगी क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ। 100 rupees के बहुत सारे स्टॉल्स थे जहाँ पर आप अपने लिए स्वेटर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जोगर्स चाहिए और यू वॉन्ट जीन्स फॉर योर सेल्फ मैन और वुमेन, तो 150 rupees में बहुत अच्छी यहाँ पर कलेक्शन आई हुई है। वुलन पजामा काफ़ी सारे प्रिंट्स में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, एंड थोड़ा सा और अगर हम आगे चले तो यहाँ पर थे स्वेटर्स जस्ट फॉर ₹50। सो लाइक आई सेड दैट यू हैव टू डिग योर हैंड डीप इनटू दिस पाइल ऑफ क्लॉथ्स, तो वही आपको करना है, तभी आपके पास मिलेगी आपको एक परफेक्ट स्वेटर दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ एट जस्ट ₹50। तो मुझे तो ये लेवेंडर वाली भी कार्डिगन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बट दिस निटेड स्वेटर वॉज द सील द डील फॉर मी। कमिंग बैक टू हैंड बैग्स, तो दीज वर जस्ट फॉर ₹300। आपको 300-350 तक की काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी फॉर हैंड बैग्स एंड यू कैन बार्गेन एज वेल। अगर आप थोड़ा और आगे चलोगे ना तो ये जो भैया होते हैं जिनके पास ये जूट बैग्स होते हैं आपके पीछे पीछे आते रहेंगे, सो वी थॉट ऑफ गेटिंग दिस वन टू। हल्का सा और आगे चलना है एंड देन यू कैन फाइंड अ गुड वैरायटी ऑफ ट्रेंडिंग ज्वेलरी जो आपको इंस्टाग्राम स्टोर्स पे 500-600 की मिलती है। यू कैन फाइंड हेयर फॉर जस्ट ₹300 और बार्गेनिंग करके इससे भी कम, और ट्रेंडी झुमका मिल रहे थे, ट्रेडिशनल वेयर सब कुछ मिल रहे थे फॉर नेक पीसेज एंड फॉर ईयर्स एज वेल। बैंगल, क्लिप्स, हेयर बैंड, रबर बैंड, क्लचर्स, इन सब की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। देन कमिंग बैक टू सम लोअर्स, तो यहाँ पर थे पजामा, क्यूट क्यूट पजामाज जस्ट फॉर ₹150, बट इनकी जो क्वालिटी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा चीप थी। नेक्स्ट मैंने देखा एक स्टॉल जहाँ पर आपको मिल जाएंगे पैंट्स एंड पलाजोज, और ये हाई वेस्ट भी थे एंड यू कैन फाइंड योर साइज़ वेरी इजीली। मुझे एक ब्लैक पैंट्स पसंद आए थे विच इज़ दिस वन, और इनका प्राइस बताओ सिर्फ ₹100। ₹100 में इतने अच्छे प्लाजोज आपको कहीं मिलेंगे? येस, इट इज़ सरोजनी, सरोजनी नगर में आपको ही मिलेंगे। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इसमें से जो इनका आसन वाला एरिया था वॉजेंट गुड, सो मैंने ये नहीं लिया, बट आप अपने साइज़ के हिसाब से यू कैन फाइंड अ गुड वैरायटी ऑफ बॉटम्स एज वेल। इवन दो ये विंटर सीजन है बट काफ़ी स्टॉल्स पर आपको समर सीजन की भी अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, एंड दीज क्रॉप टॉप्स फॉर जस्ट ₹250। और आपको ज्वेलरी बॉक्सेस मिल जाएंगे छोटे वाले ₹450 एंड बड़े वाले ₹400। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप बाहर वाले एरिया से लोगे फॉर बैग्स तो आपको ₹300 के मिलेंगे, यू कैन बार्गेन, बट अंदर वाले से लोगे देन देयर विल बी फिक्स प्राइस और वो आपको ₹350 के मिलेंगे। तो मैं ढूंढ रही थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गुड स्वेटर, जैसे कि रेड में कुछ मिल जाए, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा फंकी लगा, सो आई थॉट कि मैं आपको दिखाऊं, बट वहाँ पर जितना भी रेड कलर था ना वो वॉज वे टू ब्राइट, मुझे एक डिसेंट रेड कलर चाहिए था जो मुझे पूरी मार्केट में कहीं भी ढंग का नहीं मिला, सो आई थॉट कि नहीं लूँ मैं उसे। और ये वाली क्रिसमस के लिए देखो दिस इज़ परफेक्ट, इसके ऊपर बेल्स भी लगी हुई है। क्योंकि मैं सरोजनी मार्केट मंडे को गई थी तो यहाँ पे मेरे को मंडे मार्केट का भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिली, तो जो नीचे रोड पर आपको लगे हुए मिलेंगे ना आप ज़रूर उनमें भी चेक करना, काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है उनमें भी, और वो काफ़ी चीप होते हैं वैसे, बट फैब्रिक उनका अच्छा होता है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ लगे होते छोटे से स्टॉल फॉर ट्रेंडी नेक पीसेज एंड ईयर रिंग्स, यू कैन चेक दम आउट एज वेल। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ कुर्ते हैं और इसके साइड में स्वेटर्स है जस्ट फॉर ₹80, 80 रुपये की स्वेटर्स, और इनका फैब्रिक देखो दिस इज़ टू डाई फॉर।
बहुत अच्छे फैब्रिक थे इनके, बहुत अच्छे डिज़ाइंस थे। ये वाला देखो, दिस लुक्स रियली रियली नाइस। और इसी 80 रुपीज़ वाले स्टॉल पर बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर के यूनिक पीसेस थे, जैसे कि ये वाला कार्डिगन हो गया, देन ये वाला क्रॉप स्वेटर हो गया, एंड निटेड में भी काफ़ी अच्छे मटेरियल थे इनके पास, तो आप इनको ज़रूर चेक करना। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की, तो भाई साहब इतनी ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी वहाँ पर कि आपको हर स्टॉल पर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो मिलेगी। तो इन जो नेक पीसेज हैं इनके जो रेट्स हैं वेरी करते हैं, और 250 से स्टार्ट होते हैं, 150 से स्टार्ट होते हैं, एंड ये जितने भी इयरिंग्स हैं जस्ट फॉर रुपीज़ 30। इयरपिंस की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे यूनिक रोज गोल्ड में स्टाइल्स थे, सारे ट्रेंडी इयरपिंस वो जस्ट फॉर रुपीज़ 50। देन गाइज फॉर द मोर, मैंने बहुत सारी स्वेटर्स चेक करी, बहुत सारे स्टॉल्स चेक करे, कार्डिगन तो इतने सारे थे, एंड दिस पाउडर ब्लू कार्डिगन इज द बेस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सरोजिनी नगर मार्केट का एक हॉल भी बनाऊं जिसमें आपको मैं सब कुछ दिखाऊं, तो इस वीडियो को देना बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट करना। यू नो क्या हुआ कि मैं ना सीधी जा रही थी और मेरी नज़र पड़ी इस स्टॉल पर, और इस साइड में लगा हुआ था, इस पे सारी ट्रेंडिंग ज्वेलरीज, बहुत बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी, सारे ईयर पीसेज, आपके नेक पीसेज जस्ट फॉर रुपीज़ 150। थोड़ा सा बार्गेन करोगे ना तो भैया 100 देने को राज़ी थे, एंड यू कैन फाइंड दीज, और ये बहुत प्रिटी लगता है व्हेन यू वेयर देम विद योर इंडियन अटायर और वेस्टर्न। ज्वेलरी वाले स्टॉल से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको मिल जाएंगे बूट्स, जिस पर जस्ट फॉर रुपीज़ 200-300, एंड फ्लैट्स जो घर के स्लीपर्स होते हैं वो जस्ट फॉर रुपीज़ 100। तो थोड़ा सा बार्गेन करोगे ना आप तो भैया 300 से 200 पे आ जाएंगे। मैंने देखी बकेट हैट इन द कलर ब्लैक, बहुत प्रिटी लग रही थी। सो ये वाली जो हैट है मैंने ये ली आफ्टर वॉचिंग अदिति's व्लॉग, जाकर के मैं उनका व्लॉग देखने के बाद, बहुत अच्छी लग रही थी ये। पहले भैया इसको कोट कर रहे थे फॉर 150, बट बार्गेन करोगे ना तो 100 तक भी आ जाएंगे वो। पकेट हैट्स में भी काफ़ी सारी प्रिंट्स अवेलेबल थे, यू हैव गॉट बेरेट एंड वुलन कैप्स भी थी यहाँ पर, और मैंने एक पहन के भी देखी, दिस इज़ द कलर, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, एंड दिस वॉज जस्ट फॉर रुपीज़ 200, और थोड़ा सा बार्गेन आपको करना पड़ेगा। और उसी के एकदम साइड में स्टॉल था, वहाँ पर आपको ये बैग्स मिल जाएंगे फॉर रुपीज़ 250, और इनकी क्वालिटी भी थोड़ी 250 वाली थी, बट जो आगे बैग्स हैं आर रियली नाइस। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स रखे हैं आर जस्ट फॉर रुपीज़ 50। मैंने यहाँ से लिया एक नेल फाइलर बिकॉज आई वॉज इन नीड ऑफ दिस, और यहाँ पर थे नेल्स, आर्टिफिशियल नेल्स भी। तो यहाँ पर ये भैया रेडी पर खड़े थे, और यहाँ पर जितने भी आपको इयरिंग्स दिख रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, इज़ जस्ट फॉर रुपीज़ 30, सिर्फ 30 रुपये का, ये मात्र 30 रुपये। अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी पीसेस मिलेंगे इसमें, और हुप्स भी हैं यहाँ पर, यू कैन सी। उसी के सामने ये था ये स्टॉल फॉर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर थे चोकर्स मेनली, और लॉन्ग वाले पीसेस नहीं थे यहाँ पर, चोकर्स थे, और इनका प्राइस रेंज स्टार्ट था फ्रॉम 150, और बाकी बढ़ता जाता था, तो यू कैन फाइंड गुड पीसेज हेयर। यहाँ पर सेल में मिल रही थी ये लेदर बेल्ट एंड लेदर वॉलेट जस्ट फॉर रुपीज़ 100। तो आपको स्पेसिफिकली डेनिम के स्टॉल्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, एंड आप इसमें से कुछ भी चूज़ करो, इज़ जस्ट फॉर रुपीज़ 150। तो मैंने यहाँ से दो डेनिम्स चूज़ करी, और मैंने उनको ट्राई भी करके देखा, बिकॉज यू आर नेवर श्योर कि वो आपको आए या ना आए। तो इट्स बेटर कि अगर आप कोई जैकेट ले रहे हो तो आप उसको तुरंत वहीं ट्राई कर लें, एंड आपको पता चल जाएगा कि वो आपके ऊपर कैसे लग रहे हैं, एंड यू कैन बाय देम। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉल, तो यहाँ जितने भी आपका स्वेटर्स हैं, वेस्ट्स हैं, ये सब हमारी 50 रुपीज़ की हैं। यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट भी पसंद आया, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, वुलन शॉर्ट्स जस्ट फॉर रुपीज़ 50, है ना, अच्छा है ना ये सब कुछ। और ये टॉप भी था, बट दिस वॉज टू शियर, सो या काफ़ी अच्छी स्वेटर की कलेक्शन थी यहाँ इस वाले स्टॉल पर। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई बॉट अ फोन केस फॉर माई ब्रदर्स फोन, ओप्पो का फ़ोन है, सो आई थॉट ऑफ गेटिंग अ केस फॉर दैट वन। तो अगर वहीं से मैं राइट साइड की ओर देखूँ तो था ये स्टॉल जहाँ पर आपको मिल जाएंगे ब्लेजर्स, एंड ये बेज और ऑफ वाइट वाला ब्लेजर वॉज फ्रॉम ज़ारा, और ये ब्लैक वाला ब्लेजर काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके जस्ट नेक्स्ट है ये फुटवेयर का स्टॉल जहाँ पर यू कैन सी डजन्स ऑफ फुटवेयर, और जितने भी हैं आर जस्ट फॉर रुपीज़ 250, चाहे आपको जुत्ती लेनी हो, ओपन लेने हो, क्लोज लेने हो, मिल्स लेने हो, एवरीथिंग इज़ फॉर 250।
अगर मैं आपको अपने साथ थोड़ा सा आगे लेके चलूँ टू दिस स्टॉल, तो यहाँ पर भैया ने नीचे रोड पर लगा रखा था, यहाँ आपको इयर रिंग्स मिल जाएंगे, चोकर, मांगटिका, जस्ट फॉर ₹100। और इसी के साइड में था ये वाला स्टॉल जहाँ आपको सारे तरह के इयर रिंग्स मिल जाएंगे, चाहे वो जितनी भी ट्रेंडी ज्वेलरी हो और चाहे वो जितने भी ट्रेंडी हुप्स हो, सब आपको मिल जाएंगे। ऊपर के जितने भी हुप्स हैं आर जस्ट फॉर ₹30 और नीचे वाली ज्वेलरी इज जस्ट फॉर ₹50। अगर बात करें हम क्वालिटी की तो दैट वॉज A1। और अगर आप 2 पेयर लेते हो, 3 पेयर लेते हो तो भैया इस पर लेस भी कर देंगे, आपको बस थोड़ी सी बार्गेन करनी है। As you can see, ये वैरायटी बहुत ज़्यादा है, फ्रॉम वाटरमेलन टू पाम ट्री यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन टू दिस स्टॉल। इसी के साइड में यू कैन फाइंड सम वुलन कैप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है एंड दे आर ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली। अगर इसके सामने देखें तो यू कैन फाइंड अ स्टॉल जहाँ पर आपको जीन्स मिल जाएगी। अगर इन हम स्टॉल्स की बात करें तो दीज वर वेरी रियली सॉफ्ट एंड वेरी मच वॉर्म और ये थे जस्ट फॉर ₹150। मैं आपको इनको ट्राई करके भी दिखाऊंगी सो दैट यू कैन सी कि कैसे लगते हैं। दिस इज हाउ दे लुक, दे विल गो परफेक्टली विद एवरी काइंड ऑफ आउटफिट दैट यू वेयर। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फुटवेयर जैसे कि बैलीज, फ्लैट्स। क्या प्राइस है भैया इनका? ₹250 फॉर 1 पेयर। सॉक्स की बात करें तो देर वॉज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ सॉक्स यू कैन फाइंड इन सरोजिनी नगर मार्केट, फ्रॉम वुलन सॉक्स टू कॉटन सॉक्स देर वॉज अ गुड वेराइटी एंड देर जस्ट फॉर ₹100 फॉर 2 पेयर्स। अगर हम बात करें सरोजिनी की फेमस कोट सेट जो कि वुलन में है चल रहे हैं तो दिस वॉज अ शॉप और यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे ₹450, ₹350 अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक। स्क्रंचीज वर जस्ट फॉर ₹100 पर स्क्रंची एंड यू कैन फाइंड अ गुड वैरायटी ऑफ देम एज वेल। फॉर किड्स उनके लिए भी यहाँ काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, यू जस्ट हैव टू सर्च इट आउट। रग्स की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे फर रग्स थे जिनका प्राइस था बड़े वालों का ₹350 एंड छोटे वालों का ₹150, सो यू कैन फाइंड अ गुड वैरायटी ऑफ देम एज वेल। और इसके साइड में ही नीचे थे कुछ फुटवेयर के आपके पास ऑप्शंस जस्ट फॉर ₹100 बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ से लेना क्योंकि इनकी क्वालिटी वॉज इन दैट अप टू द मार्क। देन थोड़ा सा आगे गए तो यू कैन ऑल्सो फाइंड समर कलेक्शन हेयर, जैसे कि मैंने कहा कि विंटर के साथ यहाँ समर कलेक्शन भी है, सो यू कैन फाइंड ड्रेसेस, टॉप्स, क्रॉप टॉप्स एंड अ गुड वैरायटी ऑफ ट्रेंडी टॉप्स जो कि आजकल इंस्टाग्राम स्टोर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जस्ट फॉर ₹250। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गई तो नीचे एक भैया ने बहुत सारे कोट के ऑप्शन लगा रखे थे एंड दे वर सेलिंग कोट्स जस्ट फॉर ₹100, ₹100 में एक ट्रेंच कोट और शॉर्ट कोट, ब्लेजर, वट एवर यू वॉन्ट। तो मुझे ब्लैक कोट बहुत ज़्यादा पसंद आया सो मेरी आईज इस पर रुक गई एंड इसके अलावा एक लेवेंडर कोट थे दैट वॉज लुकिंग टू गुड। अगेन यू कैन फाइंड सम गुड कॉटन टी शर्ट्स दैट यू कैन पेयर अप विद एनीथिंग दैट यू वॉन्ट जस्ट फॉर ₹100। If you want to buy some bangles for yourself, तो उसकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। अगर आपको कड़ा लेने हैं या आपको बैंगल्स लेनी है खाली तो यू कैन सर्च दैम इन डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स और इनके प्राइजेस स्टार्ट थे फ्रॉम ₹150 एंड दे गो अप टू ₹350। अगर आपको प्लाजो देखना है तो यहाँ सेल में 200 के प्लाजो मिल रहे थे और एक काफ़ी ज़्यादा हैवी थे तो मोस्टली इसमें से कॉटन के थे एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड गुड क्वालिटी ऑफ स्कर्ट्स है। अगर नेक्स्ट स्टॉल की बात करें तो यहाँ थे डेनिम के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस, जैकेट्स के अलावा यू कैन फाइंड टॉप्स, जंप सूट्स एंड स्कर्ट्स एज वेल। वेस्ट भी यहाँ पर थी जस्ट फॉर ₹150 ईच। थोड़ा सा अगर आप भैया के साथ बार्गेन करोगे तो वो आपको 100 में भी देने को रेडी थे। अगर हम आगे चले तो यहाँ थे ट्रेंडी टॉप्स जस्ट फॉर ₹250 जिनके स्ट्रैप्स हैं हमारे इतने अच्छे मेटेलिक में एंड ऑल्सो दीज आर द सैटिन टॉप्स जो कि इंस्टाग्राम स्टोर पे बहुत ज़्यादा यू नो दे आर वेरी कॉस्टली बट आपको सरोजनी में मिल रहे जस्ट फॉर ₹250। देर वॉज अ ह्यूज वैरायटी इन कलर्स एज वेल, पिंक, ब्लू, ग्रीन, सी ग्रीन, पाउडर ब्लू, पीच, येलो, रेड, सब में आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। ऑल्सो दीज आर ऑफ शोल्डर, स्ट्रैपलेस, स्ट्रैप विद स्ट्रैप, मेटेलिक स्ट्रैप, तो यू कैन सर्च इट आउट। तो अब हम आ गए हैं स्पोर्ट्स लेन में। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो यहाँ उनके लिए भी अच्छी वैरायटी थी, यू कैन फाइंड अ गुड क्वालिटी ऑफ स्वेटर्स, हाई नेक स्वेटर, रर्ल नेक एंड ऑल्सो स्ट्राइप्स वाली एंड जिम वेयर भी था वहाँ पे जस्ट फॉर ₹250।
जो स्पोर्ट्स लेन ग्रेविटी लेन के जस्ट सामने हैं, और यहाँ आपको मिल जाएंगे सीक्वेन टॉप्स, मेश वे टॉप्स एंड ऑल्सो सम समर क्रॉप टॉप्स विद फुटवेयर्स जस्ट फॉर ₹200। अगर ग्रेविटी लेन की बात करें तो आप यहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, और बाहर से कोई खास भी यहाँ की कलेक्शन नहीं लग रही थी। उसके ग्रेविटी लेन के जस्ट सामने यू कैन फाइंड दिस बैग स्टोर, जहाँ पर कि आपको मिल जाएंगे बगेट बैग, रफल बैग्स जस्ट फॉर ₹200। लेदर बेल्ट की बात करें विद गुड बकल, तो आपको यहाँ मिल जाएंगे गुची, शनैल, डियोर, सीके, इन सब के काफ़ी अच्छे बकल, स्टार्टिंग में जस्ट ₹100, और थोड़ी सी बार्गेन आपको करना पड़ेगा। बैग्स मैंने देखे इस स्टॉल पर भी, और यहाँ थे आपके पास लेदर प्रिंट और क्रोकोडाइल प्रिंट, काउ प्रिंट और काफ़ी सारे और कलर्स थे, बट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेंडीएस्ट कलर्स मिल जाएंगे बैग्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स यहीं से शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रेंडिंग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, नेकलेस, चोकर पीस, इयर रिंग्स, माला बड़ी बड़ी, और बहुत अच्छे अच्छे हुप्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इनका प्राइस स्टार्ट था फ्रॉम ₹50 और चौका सेट्स का ₹150। वुलन स्कर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर गुड वैरायटी मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग फ्रॉम ₹450, बट आप थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हैं। देन अगेन शोइंग यू द वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इयर रिंग्स एंड ऑल्सो द मॉडर्न इंडियन इयर रिंग्स, सेम स्टॉल पर आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ आपको चेरी, वाटरमेलन, सनफ्लावर, डेजीज, इन सब के बहुत बहुत ट्रेंडी आपको ज्वेलरी मिल जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम ₹150। अगर आप पेयर बाय करोगे तो आपको इन पर थोड़ा सा लेस कर देंगे। तो यहाँ एज यू कैन सी कि आपके पास चेरी में है, रेनबो में है, एंड ऑल्सो लिप्स आर देयर, एंड दीज चेन वाली इयर रिंग्स विच लुक रियली रियली प्रिटी। अगर हम सिंगल लेयर चेन की बात करें तो यू कैन फाइंड अ गुड वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज इन हेयर, एंड ऑल्सो ईवल आइज वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे जस्ट फॉर ₹100। तो गाइस ओवरऑल देखें तो सूरज नगर में ट्रेंडी कलेक्शन बहुत ज़्यादा आई हुई है। अगर आपको ट्रेंडी कलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए देन यू नीड टू गो टू सरोजिनी नगर मार्केट ASAP। तो दिस इज ऑल दैट आई शॉट फ्रॉम सरोजिनी नगर, एंड आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हुआ हो, और अगर ऐसा हुआ है देन डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, कमेंट मी योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब टू इट। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेरे YouTube चैनल पर गिव अवे लाइव है, तो आप उसमें जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सो आई विल बी वॉचिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।